अजीबोगरीब मामला जो बिहार के गया से सामने आया वो आपको बताते हैं। जरा सोचिए, एक साल का बच्चा खेल रहा हो, उसे अचानक सांप दिख जाए और उस सांप को खिलौना समझकर ये बच्चा चबा जाए। आपको हम बता दें, बच्चे ने सांप को वहीं पर मार डाला, वहीं पर मौत सांप की हो जाती है। बच्चा कौन है, क्या है, पूरी खबर समझिए। बिहार के गया जिले से हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बच्चे ने जो कर दिया उसे जानने के बाद हर कोई हैरत में है। बच्चा खेल रहा था तभी उसके पास एक सांप का बच्चा आ गया। बच्चे ने उसे उठाया और चबा चबा कर मार डाला। जब परिजनों ने उसे ऐसा करते देखा तो वो घबरा गए। बच्चे की मां ने तुरंत मुंह से सांप निकाला और बच्चे को डॉक्टर के पास लेकर आई, जहां बच्चे को प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने स्वस्थ घोषित किया, जिसके बाद परिजनों की जान में जान आई। ये मामला फतेहपुर थाना इलाके के गाँव जमुहार का है। यहाँ बच्चा अपने घर की छत पर खेल रहा था तभी घर की छत पर रेंगता हुआ सांप का बच्चा आ गया। बच्चे ने उसे देखा और पकड़ लिया। मासूम को क्या पता था कि वो सांप है। इसके बाद वो एक साल का मासूम सांप को चबाने लगा, जिससे सांप की मौत हो गई। एक साल के मासूम का नाम रियांश है, जो कि पूरी तरह से स्वस्थ है। आसपास के इलाकों में रियांश की चर्चा हो रही है। बारिश के मौसम में सांप काटने के मामले बढ़ जाते हैं। कई सांप इतने जहरीले होते हैं कि ऐसे में परिवार की लापरवाही से बच्चे की जान भी जा सकती थी।